नमस्कार, 3 बज गए हैं, वक्त हो गया है 3 at 3 हमारी खास पेशकश का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा, मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल और श्वेता झा भी जुड़ गई हैं। और एक बार फिर से हम तीनों हाजिर हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। लेकिन इस बुलेटिन में आज हम आपको लिए चलेंगे अयोध्या, जहां राम की नगरी सज धज कर तैयार है। दिखाएंगे आपको किस तरीके से वहां तैयारियां की जा रही है। अयोध्या में दरअसल श्वेता उत्सव जैसा माहौल हो गया है। बिल्कुल नेहा, उत्सव सा माहौल है, आपको हम दिखाएंगे वहां की तैयारियां। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें, खबर होगी आपको हम बता दें कि खबर होगी कोरोना की भी, ये भी खबर आपको हम दिखाएंगे। लंबे वक्त के बाद एक अच्छी खबर भी आई है, आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई में कोरोना के सबसे कम केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, जो कि बेहद अच्छी खबर है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो खबर सामने आई है, क्योंकि लगातार इन्वेस्टिगेशन मीनाक्षी जारी है, कई लोगों से पूछताछ हो गई है। और इस कड़ी में आज करण जौहर के CEO से पूछताछ चल रही है, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं कि करण जौहर को अब तक क्यों नहीं बुलाया गया। मीनाक्षी, तो इस खबर पर बिल्कुल नजर हमारी होगी, जिस बात का जिक्र श्वेता ने किया। लेकिन आगे आपको हम रफाल से जुड़ी खबर भी दिखाएंगे, क्योंकि रफाल के स्वागत की तैयारियां अंबाला में हो रही हैं। कश्मीर की बात भी होगी, 370 हटाने के साल पूरा होने पर आतंकवादियों की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आज इसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहां पर एक बच्चे का अपहरण हुआ, फिर हत्या, और उसके बाद पूरे इलाका सन है, पूरा प्रदेश सन है, क्योंकि ये इलाका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। एक माँ मोबाइल देखकर अपने कलेजे के टुकड़े को याद कर रही है, एक बहन अपने छोटे भाई के लिए फूट फूट कर रो रही है, घर वालों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। हत्यारों ने मासूम को अगवा किया और फिर उसे मार डाला। अब उसी जिगर के टुकड़े के लिए परिजनों का कलेजा फट पड़ा है। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल छत्रधारी गांव में मातम पसरा है। हर कोई इस परिवार को दिलासा दे रहा है, लेकिन घर वाले एक ही बात कह रहे हैं कि उन्हें उनका बेटा चाहिए। रविवार को 5वीं क्लास का छात्र बलराम गुप्ता दोपहर में घर से खाना खाने के बाद खेलने गया था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन 3 घंटे और 5 मिनट के बाद उसके पिता की फोन की घंटी बजी और सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटे के लिए 1 करोड़ की फिरौती की मांग की गई। अपहरण करने वालों ने 1 करोड़ की फिरौती के लिए घर वालों को कई कॉल किए, धमकी भी दी। उस वक्त तक आरोपी गुमनाम थे, कोई नहीं जानता था कि किन लोगों ने बलराम को अगवा किया है। 5 बहनों के इकलौते भाई का कोई सुराग नहीं मिला। 12 बजे बाद वो निकला है, 12 बजे निकला है, 3 बजे क्रिमिनल से स्वयं बात हुई है। उसने 1 करोड़ रुपया की पनौती मांगा, हमारे पास 10 लाख की भी होता नहीं, हम 1 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे, इन मेरी औकात है, मेरी घर द्वार। फिरौती की 1 करोड़ की रकम पान की दुकान चलाने वाले बलराम के लिए मुमकिन नहीं थी, लिहाजा उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। आज जो है एक अभियुक्त हम लोगों ने पकड़ा, उसकी निशानदेही पे ये जो डेड बॉडी जो बरामद हुई है, तमाम लोग हिरासत में लिए गए हैं और अन्य अभियुक्तों के जो है धरपकड़ के लिए जो हमारी टीमें लगी हुई हैं। फिरौती की रकम पहले मांगी गई थी
अब देखिए अभी प्राइमर फेसी जो है ये बात आई है कि कल ही जो है इसकी हत्या जो है कर दी गई थी। अब चीजें और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लें तो आपको बताएं। 26 जुलाई की शाम पुलिस तलाश शुरू कर चुकी थी। उसी रात 9 बजे गुनहगारों ने आखिरी बार फोन किया। बलराम के पिता 20 लाख देने के लिए तैयार हो गए। तब तक पुलिस ने फोन को सर्विलांस पर लगा दिया। उसी सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को उठाया, जिसमें पास का ही एक दुकानदार अजय गुप्ता था। 27 जुलाई को पुलिस ने दयानंद नाम के एक आरोपी को पकड़ा। उसी की निशानदेही पर बच्चे की लाश को बरामद कर लिया गया। सोमवार की शाम तक 5 आरोपी गिरफ्त में थे। कल शाम को लगभग 5 बजे के बाद पुलिस को, लोकल पुलिस को इत्तला हुई और इसमें तुरंत ही पुलिस ने लोकल पुलिस की कई 3 टीमें लगभग लगाई। क्राइम ब्रांच की भी हमारी 3 टीमें और साथ ही साथ एसटीएफ का भी सहयोग लेते हुए हम लोगों ने रात में ही जो है जिस नंबर से कॉल आई थी उन नंबरों को लगातार मॉनिटरिंग करते हुए और कॉल डिटेल के आधार पर बंदों को उठाया, जिसने सिम बेचा उसको भी उठाया, जिसको उससे फिर धीरे धीरे पता करते हुए और कॉल डिटेल के एनालिसिस के बाद हमें दयानंद नाम के एक व्यक्ति का पता चला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र में हुई इस वारदात ने एक बार फिर पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 26 जुलाई की रात को ही पुलिस को आरोपियों की जानकारी मिल चुकी थी, फिर भी कार्रवाई में ढिलाई क्यों बरती गई? मामले को गंभीरता से लेते हुए यूपी सरकार आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की तैयारी में है। साथ ही पीड़ित परिवार को 5 लाख का मुआवजा देने का भी फैसला किया है। लखनऊ से नीलांशु शुक्ला और गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव आज तक। गोरखपुर में हुई वारदात से सवाल उठने लगे हैं कि क्या यूपी में अपराधी बेकाबू हो गए हैं। बिल्कुल, हर रोज एक के बाद एक वारदात सामने आती है। कुछ दिन पहले ही 30 लाख रुपए देने के बावजूद एक मेडिकल स्टाफ की हत्या कर दी गई थी। ऐसा लग रहा है कि पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। हालांकि अब सियासी पार्टियां यूपी की तुलना जंगलराज से कर रही हैं। ये सवाल किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ से कि क्या वाकई कोई भी और किसी भी तरीके का कानून बचा है उत्तर प्रदेश में। कानपुर में 24 साल के लैब असिस्टेंट की हत्या, गोरखपुर में 14 साल के बच्चे की हत्या, गोंडा में 8 साल के बच्चे का अपहरण। शहर बदलता है, परिवार बदल जाते हैं, लेकिन दुख दर्द और आक्रोश का सिलसिला नहीं बदलता। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में अपहरण का कारोबार कितनी तेजी से फल फूल रहा है। कानपुर के इस परिवार की पीड़ा आज भी धीमी नहीं पड़ रही है। 30 लाख की फिरौती देने के बाद भी इस परिवार को अपने बेटे की लाश का इंतजार है। ये लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का परिवार है। संजीत यादव जिसे अगवा करने के बाद मौत की नींद सुला दिया गया। सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संजीत यादव के परिवार से बात की, उन्हें ढाढ़स बंधाया। मुझे न्याय चाहिए, मेरे भाई के हत्यारों, मेरे भाई के जितने भी हत्यारे हैं सबको सजा दी जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे भाई को न्याय मिल जाए। उसको जिंदा तो नहीं ला सके, कम से कम हमारे सामने उसकी बॉडी तो ला के हमें दे दे, हमारी यही मांग है। हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे, हम बार बार इसको फिर उठाएंगे, तो बात करेंगे, आपकी राजनीति की बात नहीं है, मैं अपने दिल से कहेंगे हम आपके साथ किसी भी तरह से हम मदद करेंगे। कानपुर पुलिस की बार बार नाकामियों के बाद वहां के कप्तान का तबादला कर दिया गया है। नए कप्तान आ गए हैं। उन्होंने संजीत यादव के घर वालों से वादा किया है कि वो अपहरण और मर्डर केस में सच सामने लाएंगे। अब इंतजार है कि वो दिन कब आता है
आता भी है कि नहीं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उस घटना के हर पहलू को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें। मैं खुद इस पूरे घटना को जितने भी परत बाय परत उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करूंगा। जहां आप ढिलाई की बात करें तो ढिलाई की बात में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद और उसमें इंक्वायरी भी की जा रही है। कानपुर में पुलिस की किरकिरी हो रही है तो फिर बुलंदशहर में भी उसके साख को बट्टा लगा है, जहां एक वकील कई दिन से लापता है। अब ड्रोन कैमरे से खोजी अभियान चलाया जा रहा है। लकीर पीटती पुलिस यहां भी कह रही है कि जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। पॉकेट क्रूज इस प्रकरण में मिले हैं और बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण कर लेंगे। हमारी कई टीम्स इसमें लगी हुई हैं, 5 टीम्स इसमें लगी हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, और जल्दी ही इसका अनावरण कर लेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते थे, कई बैनामे अंडर प्रोसेस थे। यूपी पुलिस की नाक में अपराधियों ने दम कर रखा है। कासगंज में ट्रिपल मर्डर से पहले सवाल है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार हमले कर रही हैं। यूपी में हर दिन गुंडाराज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सीएम के गृह क्षेत्र में अपहरण की घटना घटी है, कासगंज में हत्याकांड, लेकिन दिखावे के लिए कुछ ट्रांसफर के अलावा और कुछ नहीं होता। जंगल राज बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक वारदात ने यूपी पुलिस के इकबाल पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अपराध मुक्त यूपी महज एक सपना बनकर रह गया है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। तो गोरखपुर में हत्याकांड की खबर सामने आई, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की ही अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से क्राइम ग्राफ यहां पर बढ़ रहा है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी है। आज करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ से अंधेरी के अंबोली पुलिस स्टेशन में पुलिस सवाल जवाब कर रही है। दोपहर 12 बजे से ही पूछताछ की जा रही है। अब लगभग 3 घंटे का वक्त बीत चुका है और अब तक पूछताछ चल रही है। वहीं बिहार में आज करण जौहर से भी पूछताछ की जाए, इस मांग को लेकर सड़क पर लोग उतरे और ये मांग की कि क्यों नहीं इस मामले में अभी तक करण जौहर से पूछताछ की गई। कंगना रनौत ने भी आरोप लगाए थे कि करण जौहर ने जानबूझकर सुशांत की फिल्म ड्राइव को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया ताकि उनका करियर चौपट हो जाए, उनकी फिल्म को थिएटर नहीं मिल पाए, ये प्लानिंग के तहत किया गया। कंगना का ऐसा आरोप है तो पुलिस इन्हीं आरोपों का सच जानना चाहती है, जिसके लिए धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पहले हमने श्वेता और मीनाक्षी देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने मांग की थी कि इस मामले में सीबीआई जांच की जाए और ट्विटर पर उन्होंने अपील अमित शाह से की थी। अब सुशांत के परिजन भी यही बात दोहरा रहे हैं कि सीबीआई जांच की जाए। सुशांत के भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज जी, पिछले दिनों हमने देखा बड़े बड़े फिल्मी हस्तियों से पूछताछ हुई है, चाहे वो संजय लीला भंसाली हो, आदित्य चोपड़ा हो, शेखर कपूर हो या फिर महेश भट्ट, लेकिन आज जो है आज धर्मा प्रोडक्शन जो कि करण जौहर की कंपनी है उनके सीईओ से पूछताछ होने वाली है इस मामले में। देखिए, इसमें हम ये समझते हैं कि अगर करण जौहर का कहीं न कहीं से नाम आ रहा है या कहीं से कहीं उंगली उठ रहा है तो सीईओ से पूछने का तो कोई मतलब नहीं है। जब पूछना है, इतने लोगों से पूछा गया, संजय लीला भंसाली से पूछा गया, तो डायरेक्ट करण जौहर से पूछना चाहिए और करण जौहर को बुला के पूछे कि भाई क्या सच्चाई है, अगर क्या जानते हैं, क्या उससे बात निकलती है। तो एक्चुअली पुलिस को इसमें हम समझते हैं कि अच्छे तरीके से जाँच करनी चाहिए महाराष्ट्र पुलिस को, क्योंकि काफ़ी देर हो रहा है और खानापूर्ति हो रहा है, इससे पूछ लिए उससे पूछ लिए, तो पूछने के बाद क्या निकल रहा है उस पर काम करना चाहिए। अभी तक तो कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है तो उस पर पुलिस को सही ढंग से हम समझते हैं पूछताछ करनी चाहिए और करण जौहर को डायरेक्ट पूछना चाहिए बुला करके। अभी जिस तरीके की पूछताछ चल रही है आपको क्या लगता है, उससे परिवार संतुष्ट है क्या? देखिए, हमको कहीं से नहीं लगता है कि ये रियली पूछताछ हो रहा है, ये तो मुझे लगता है खानापूर्ति हो रहा है। इनसे पूछ लिए उनसे पूछ लिए, पूछ के आप कर क्या रहे हैं, किस बेसिस पे पूछा जा रहा है, कुछ न कुछ क्लू मिल रहा होगा तब तो पूछा जा रहा है। आप किसी को आरोपित करके ही पूछ रहे हैं ना, तो पूछ रहे तो निकल क्या रहा उससे, ये तो कुछ सामने आ नहीं रहा। इतने लोगों से पूछा गया, कहीं से कुछ सामने नहीं आ रहा है, तो किस तरह का जांच चल रहा है, थोड़ा सा हम लोगों को डाउट हो रहा है और फिर आगे के दिनों में हम लोग इस पर विचार जरूर करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। तो अब तक कुल मिला के अब तक जो पूछताछ चल रही है, सुशांत का परिवार भी उससे नाखुश नजर आ रहा है और वो भी बहुत जल्द सीबीआई
जांच की मांग कर सकता है, इस तरह की बात उनके भाई ने कही। और अब बात हम करेंगे बकरीद की और बकरीद में कुर्बानी को लेकर जो विवाद चल रहा है उसकी। इस विवाद में नया नाम जुड़ गया है, गाजियाबाद लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का। मीनाक्षी, नंद किशोर गुर्जर ने बकरीद पर बकरों की कुर्बानी न करने की अपील करते हुए एक विवादित बात कह दी नेहा। और देखिए, आज जब हम सुबह 11 बजे बुलेटिन कर रहे थे तो हमने डायरेक्ट उनसे लाइव बातचीत की, लेकिन लाइव बातचीत में भी अपनी बात को लेकर कोई लॉजिक वो नहीं दे पाए, कोई समझदारी भरा बयान नहीं दे पाए। और ऐसे ही विवादों से जो है चिंता पैदा होती है कि क्यों एक जो हम कहते हैं कि सौहार्द का माहौल होना चाहिए उसे बिगाड़ने की कोशिश होती है। आप एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हैं अपने बयान में, उसके बाद शर्मसार भी नहीं होते। मीनाक्षी, ये हमने उनकी बातचीत में पाया और उन्होंने बार बार उल्टा हमारे ऊपर और चैनल के ऊपर आरोप लगाए और अपनी सफाई भी दे डाली। बकरी ईद से ठीक पहले कुर्बानी पर सवाल, बीजेपी विधायक के सवाल सियासत तेज। बकरी ईद से ठीक पहले फिर कुर्बानी पर घमासान शुरू हो गया है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने पहले तो कुर्बानी पर सवाल उठाए, फिर कुर्बानी देने वालों को बेतुकी नसीहत दे डाली। कुर्बानी नहीं करेंगे क्योंकि कुर्बानी जो है वो किसी भी अपनी पवित्र चित्र को ऊपर वाले को समर्पित करने का नाम है। इस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपने पवित्र चीज़ को अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज़्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीही जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसे भरना पड़ता है। तो इसलिए अपना अगला जन्म भी अच्छा हो, लोनी के लोगों से खास तौर से मेरा कहना है कि वो इस तरह की बिल्कुल ना करें क्योंकि इसमें कोरोना फैलने की संभावना ज़्यादा है। बीजेपी विधायक का बयान आया तो इसे लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। देवबंद में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी मांग की। हम हुकूमत उत्तर प्रदेश से मांग करते हैं कि ऐसे फिरका परस्त ज़हनियत रखने वाले विधायक को विधानसभा के अंदर बैठने का कोई हक नहीं है, जो हिंदू मुसलमानों को आपस में बांटने का काम कर रहा है और जो है हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने का काम कर रहा है। नंद किशोर गुर्जर के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है, समाजवादी पार्टी ने उन पर निशाना साधा है। लोनी के विधायक जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है ये हिंदुस्तानी भाषा नहीं है। हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार ऐसे भाषा को कतई अलाउ नहीं करते। ये हमारी राजनीति में भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके मतलब उस व्यक्ति के अंदर ना मानवता है ना इंसानियत है। और जिस भाषा को इस्तेमाल कर रहा है ये समझो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये भाषा हिंदुस्तानी नहीं है, कहीं और की भाषा बोल रहा है। मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी विधायक को सफाई देनी पड़ी। अब उनकी सफाई भी सुन लीजिए कि कैसे वो अपने बेतुके बयान का बचाव कर रहे हैं। कोरोना की दृष्टिगत रखते हुए भी इसलिए हमने लोगों से अपील की थी कि सभी मिलकर के त्योहार को मनाएं, कोई गंदगी ना करें, सांकेतिक रूप से उसको जो कुर्बानी अपने धर्म के अनुसार कर लें। केवल इतना मेरा कहना था, बच्चों की जो बात चलाई जा रही है एकदम गलत है। हमने केवल ये कहा था लोग अपने बच्चों को प्यार करते, कोई बलि नहीं देता है। इस बार ऊपर वाले से क्योंकि महामारी है, अपनी परंपराएं भी चल जाए और हमारा त्यौहार भी मन जाए। और लोगों ने उस बात को अप्रिशिएट किया, हजारों मुस्लिम समाज के लोगों ने लोनी से कॉल किए और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात राजस्थान की सियासी उठापटक की करेंगे। गहलोत सरकार ने राज्यपाल को विधानसभा बुलाने का तीसरा प्रस्ताव भेजा है। उससे पहले दो प्रस्तावों को राज्यपाल कलराज मिश्रा ने नहीं माना, राज्य सरकार से कई सवाल पूछे हैं। गहलोत लगातार विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर दबाव बना रहे हैं और इसी के लिए आज मुख्यमंत्री गहलोत ने कैबिनेट बैठक की। इसमें राज्यपाल से पूछे गए सवालों पर चर्चा की गई। कैबिनेट ने इस मीटिंग में राज्यपाल को तीसरा प्रस्ताव भेजने पर मुहर लगा दी है। मीटिंग के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हमला बोलते हुए कहा कि राज्यपाल ये पूछने वाले कौन होते हैं कि हम विधानसभा क्यों बुलाना चाहते हैं। कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है, हमारे साथ हैं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। सर, कैबिनेट की मीटिंग में क्या आप राज्यपाल को दोबारा प्रस्ताव भेज रहे हैं आप लोग? कैबिनेट की मीटिंग लंबी चली, हम प्रस्ताव वापस भेज रहे हैं। हम राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र साहब का सम्मान करते हैं, हम उनसे कोई टकराव नहीं चाहते। हमारे और उनके रिश्ते, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और वो खुद धीर गंभीर आदमी है। ना कोई टकराव है ना कोई बिखराव है। संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जब जाता है तो बिना कोई कारण बताया जाता था और मंजूर होकर आ जाता था। इसी सत्र में हम पौने दो साल से शासन में,
पांच दिन में विधानसभा के सत्र इन्हीं राज्यपाल साहब ने मंजूरी दी है और उसमें कभी नहीं पूछा किस कारण से विधानसभा हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। और अब खबर सैलाब का सितम झेल रहे बिहार से, जहां कुदरत का कहर 12 जिलों के 10 लाख की आबादी झेलने को अभिशप्त है। बिहार में कोसी, गंडक, बागमती नदियों के साथ कई छोटी नदियां ऐसी हैं जो खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। तटबंध टूट रहे हैं, गांवों से लेकर शहर तक हालात बेहद खराब हैं। बिहार में कोहराम, बाढ़ से हाहाकार, नदी बहा ले गई पुलिया, इंजीनियरिंग कॉलेज जलमग्न, बाढ़ में बही बाइक, बाढ़ आई आफत लाई। तस्वीरें मोतिहारी की है, जहां धनगढ़ा में सोमवती नदी पर बनी पुलिया ताश के पत्थरों की तरह ढह गई। लोग पुलिया के उस पार थे और तस्वीरें खींच रहे थे। महज 5 सेकंड में सोमवती नदी 20 साल पुरानी पुलिया का एक हिस्सा बहा ले गई। ये तस्वीरें दरभंगा के इंजीनियरिंग कॉलेज की हैं, जहां कल रात से बागमती नदी का पानी भरना शुरू हुआ था और आज करीब पूरा कैंपस जलमग्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिन ब्लॉक के साथ साथ कई क्लासरूम में भी पानी भर गया है। तो शाम से पानी आ गया है, रात भर नहीं तो बढ़ते जा रहा है। कॉलेज कल से बंद हो गया है और जो यहाँ पे सामान सब रखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम सब चालू था, वो सब बंद हो गया हुआ है। कहाँ का कितना पानी बढ़ा? पानी 4 फीट पानी बढ़ा। बागमती नदी के कहर से दरभंगा का बस स्टॉप भी नहीं बचा है, यहाँ भी पानी भर गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर का जरा हाल देख लीजिए, बाढ़ की तेज धार में बाइक फंसी तो युवक की जान पर बनाई। बाइक सवार सड़क हादसे में गांव के एक युवक की मौत के बाद परिवार को सरकारी सहायता दिलवाने गया था, लेकिन काटा मलाही के पास टूटी सड़क पर पानी की तेज धार में बहने लगा। गनीमत रही कि लोगों ने उसकी जान बचा ली। मुजफ्फरपुर में गंडक की सहायक कदानी नदी भी उफान पर है। जिले के सकरा प्रखंड में करीब 20 फीट चौड़ा तटबंध टूट गया है। तटबंध को तोड़ नदी का पानी करीब 15 पंचायतों के दर्जनों गांवों में भर गया है। अब ग्रामीणों की मदद से जिला प्रशासन तटबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। बिहार के करीब 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 10 लाख की आबादी मुसीबत में फंसी है। बिहार में बाढ़ से प्रभावित जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और खगड़िया शामिल हैं। गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है। सारण तटबंध टूटने के बाद सैकड़ों गांव बाढ़ से घिरे हैं। यहां के बरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी पानी भर गया है। NH-28 के ऊपर से नदी बहने लगी है, जिससे आना जाना मुहाल हो गया है। बाढ़ की विकट हालात के बीच सूबे की 10 लाख आबादी परेशान है। उफनती नदियों ने सुशासन बाबू के विकास की पोल खोल दी है। मुजफ्फरपुर से रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। असम की बात करेंगे, जहां इस साल ब्रह्मपुत्र ने ऐसी तबाही मचाई जिससे उबरना राज्य के लिए आसान नहीं होगा। 26 जिलों के करीब 24.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अब भी हजारों घर बाढ़ की चपेट में हैं और लोग पानी के बीच किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। ये तस्वीरें असम के बारपेटा जिले की हैं, जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई देता है। यहां ब्रह्मपुत्र का डरावना चेहरा दिखाई देता है। डूबे हुए मकान दिखते हैं, पानी में समा चुके खेत खलिहान दिखते हैं। बारपेटा में ब्रह्मपुत्र ने इस साल ऐसा कोहराम मचाया है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, सैकड़ों लोगों को बाढ़ से बचाया गया है। मोरी गांव में ब्रह्मपुत्र ने कयामत मचाई है। गांव के गांव डूब गए हैं, जिंदगी अब सड़क पर आ गई है। आफत की इस भयावह बाढ़ में सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को है। घर का जो बचा खुचा सामान था उसको लेकर के लोग इन किनारों पर रहने आ गए। जाहिर है यहां पर
सांपों का खतरा, बीमारियों का खतरा, बच्चों से लेकर के महिलाओं की जिंदगी मुश्किल में। ऊपरी असम के इलाकों में सफर करें तो आपको हजारों की संख्या में घर दिखाई पड़ेंगे जो अपना गांव छोड़कर के, अपना घर छोड़कर इन सड़कों पर आ गए हैं रहने के लिए। इस साल असम के 26 जिले बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। राज्य के 2409 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 120 लोगों की मौत हुई है, 97 लोग बाढ़ से मारे गए हैं, जबकि 23 की मौत लैंडस्लाइड की वजह से हुई। करीब करीब 24.5 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। इंसान तो इंसान, जानवर भी बाढ़ की विभीषिका से बच नहीं पाए। ब्रह्मपुत्र का प्रकोप काजीरंगा में भी टूटा है, जहां 127 जानवरों की मौत बाढ़ से हुई है। जिन जिलों में बाढ़ का पानी उतरना शुरू हुआ है, वहां बीमारी फैलने का खतरा है। ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती दवाएं, खाना पीना पहुंचाने की है। बाढ़ का पानी कम तो हो रहा है, लेकिन अभी भी इसे पूरी तरह से खाली होने में महीने भर का समय भी लग सकता है। ऐसे में सरकारी मदद नाकाफी है, लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि जल्दी से आपदा खत्म हो तो आखिर उनकी जिंदगी सामान्य हो। मोरीगांव असम से संजय कुमार के साथ ये रिपोर्ट लेकर मैं आशुतोष मिश्रा आज तक। और आइए अब आपको ले चलते हैं अयोध्या, क्योंकि भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है, सवारा जा रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन से पहले वहां पर 200 से ज्यादा मेहमानों को बुलाए जाने की भी नेहा खबर है। और इस दिन का देश के लोगों को बेसब्री से इंतजार है मीनाक्षी। अगर कोरोना संक्रमण का दौर नहीं होता तो शायद ये आयोजन और भव्य होता। हालांकि अब लोगों की संख्या सीमित रहे इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, संक्रमण ना फैले, लोग वहां पर मास्क लगाकर पहुंचे। ऐसे में तैयारियों की बारीकियों पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अयोध्यावासी बेहद खुश है। साधु संत झूम रहे हैं। अयोध्या की दिव्यता भव्यता के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कैसी है सरयू की तैयारी, कैसे अद्भुत और अकल्पनीय होगा 5 अगस्त का दिन। श्वेता बिल्कुल, और जहां तक साधु संतों की यहां बात करें, क्योंकि एक बहुत लंबा इंतजार देश के तमाम लोगों को तो था ही, लेकिन जो यहां पर साधु संत दिन रात राम धुनी में खुद जुटे रहते हैं उनकी तो खुशी की बात ही क्या करनी। तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे किस तरह से धुनी रमाए हुए हैं राम की, रामलला के मंदिर निर्माण की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है इनकी खुशियां बढ़ती ही जा रही है। अवध में लडुआ बटे राजा बने हैं राम, अवध में लडुआ बटे बंधनवार सजाओ सब गलियां, बंधनवार सजाओ सब गलियां, बंधनवार सजाओ सब गलियां, बंधनवार सजाओ सब गलियां, अवध में लडुआ बटे बनवा दो पूरन द्वार, अवध में लडुआ बटे मेरे राजा बने हैं राम, अवध में लडुआ बटे मेरे राजा बने हैं राम, अवध में लडुआ बटे, लडुआ बटे रसगुल्ला बटे रे, लडुआ बटे रसगुल्ला बटे रे, धीमी धीमी उड़त गुलाल अवध में लडुआ बटे, हाँ धीमी धीमी उड़े रे गुलाल अवध में लडुआ बटे मेरे राजा के दूध की खीर बनवाओ, गैया के दूध की खीर बनवाओ, मोहरों की कर दो बौछार अवध में लडुआ बटे, मोहरों की कर दो बौछार अवध में लडुआ बटे मेरे राजा बने हैं राम, अवध में लडुआ बटे राजा बने हैं राम, अवध में लडुआ बटे मेरे राजा बने। कैसी है सुबह आई घड़ी, ये कैसी है सुबह आई, घर घर में आज बाजे बधाई, घर घर में आज बाजे बधाई, जगदीश में
बहुत ही उत्साह है कि इतने दिनों के प्रतीक्षा के बाद श्री राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य चालू होने वाला है और हम सभी अपने घरों में बधाई गान कर रहे हैं और आने वाले 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, जब पूरी अयोध्या के हर घर में हम सभी दीपक जला करके श्री रामचरित मानस का पाठ करके प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य उत्सव मनाएंगे। घर घर में आज बाजे बधाई, घर घर में आज बाजे बधाई, आई है उत्सव आज अवध में, खड़ी आई है उत्सव आज अवध में, लडुआ बटे राजा बने राम अवध में, लडुआ बटे राजा बने राम अवध में, लडुआ बटे अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां आपने देखी, कैसे निर्माण किया जाएगा इस पर भी लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहते हैं। तो शोर और तैयारियों के बीच 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और भूमि पूजन से पहले राम मंदिर का मॉडल रखा जाएगा। मीनाक्षी नया, देखिए 5 अगस्त की तारीख बहुत अहम रहने वाली है क्योंकि ये अपने आप में इतिहास में ये तारीख एक जगह रखेगी। अलौकिक नजारे देखने को वहां मिलेंगे। अयोध्या में 25 जगहों पर दीप जलाए जाएंगे और इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए योगी सरकार ने भी श्वेता कई इंतजाम किए हैं। बिल्कुल, और इन इंतजामों के साथ साथ आपको बता दें कि भूमि पूजन से पहले जितनी भी विघ्न और बाधाएं हैं, क्योंकि तमाम तरह की बातें उठ रही थी इस दिन को भी लेकर तारीख को भी लेकर साधु संतों के बीच, तो इन विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए लगातार वहां पर हवन पूजन किया जा रहा है। और 5 अगस्त को रामलला को आपको बता दें नवरत्न से जड़ित वस्त्र पहनाया जाएगा, जो अपने आप में अद्भुत होगा देखना। कुछ ऐसी होगी भव्यता, कुछ ऐसी होगी दिव्यता, सरयू नदी के किनारे सजेंगे दीप, राम की पैड़ी पर प्रज्वलित होंगे दिए। दिवाली से पहले ही रघुनंदन की नगरी में दिखेगा दिवाली जैसा ही नजारा। 5 अगस्त को अलौकिक नजारे से गुलजार हो जाएगी अयोध्या। 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे, इसी की तैयारी जोर शोर से है। 4 और 5 अगस्त को राम जन्मभूमि के अलावा अयोध्या के प्रमुख 25 जगहों पर जब 1.25 लाख दिए जलाए जाएंगे तो वो नजारा रमणीय होगा, दर्शनीय होगा। इस काम की जिम्मेदारी कई गैर सामाजिक संगठन और अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को दी गई है। भूमि पूजन का दिन यानी 5 अगस्त सचमुच दिव्य और भव्य होने जा रहा है और इसकी बड़ी व्यापक तैयारी भी चल रही है। 5 अगस्त को जिस दिन प्रधानमंत्री आएंगे उस दिन सरयू का ये किनारा सुबह से ही यहाँ गतिविधि होगी, शाम जगमग होगा। माना यह जा रहा है कि तकरीबन अयोध्या के 5 बड़े जगहों पर 1.25 लाख दिए जलाए जाएंगे। 5 अगस्त को ऐतिहासिक बनाने के लिए योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी ने साधु संतों के साथ बैठक करके आह्वान किया था। तैयारियों का जायजा लेने के लिए ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ की, तैयारियों पर चर्चा की। हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहेंगे 5 अगस्त के दिन के लिए? 5 अगस्त 15 अगस्त की तरह महत्वपूर्ण है। अयोध्या कैसी सजेगी, क्योंकि मास्टर प्लान तो बहुत ही अच्छा है, उसका आप नेतृत्व भी कर रहे हैं। अयोध्या नाथ की कृपा से सब अच्छा ही अच्छा होगा, जिस प्रकार से अयोध्या की गौरव गरिमा है उसके हिसाब से। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले कोई विघ्न बाधा खड़ी ना हो इसकी भी तैयारी की जा रही है। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने हवन पूजन किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा जो 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है, उसकी विघ्न बाधा को दूर करने के लिए और मोदी जी के जैसे ही राम मंदिर का भूमि पूजन हो उसी के साथ राम राज की स्थापना हो जाए, भारत विश्व गुरु बन जाए और फिर पुनः जो है राम राज का वो स्थिति जैसे राम राज में था कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई,
कोई बैर नहीं करता था, सब भाई भाई जैसे प्रेम करते थे, वो स्थिति जो है बनने के लिए आज जो है राम राज्य प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन कायस्थ समाज के द्वारा मेरे आचार्यत्व में संपन्न किया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने इसकी तैयारी कर रखी है, घर घर में संदेश भेजकर 5 अगस्त को अलौकिक बनाने की तैयारी कर रही है। रामलला को हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। 5 अगस्त बुधवार का दिन है, इस दिन हरे रंग के नवरत्न से जड़ित वस्त्र पहनेंगे रामलला। वहीं भगवान राम के तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और साथ ही हनुमान जी को भी नए परिधान पहनाए जाएंगे। रामलला के वस्त्रों को बनाने का काम बाबूलाल टेलर्स के नाम से शंकरलाल का परिवार करता है। सब शुभ शुभ हो इसलिए ग्रह नक्षत्रों के तालमेल के मुताबिक भूमि पूजन की तैयारी है। अयोध्या में भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह के 11:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे के बीच है। इस दौरान देश भर के मंदिरों में पूजन, घंटा घड़ियाल और शंख बजाकर इस मुहूर्त को अद्भुत बनाया जाएगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के सामने राम मंदिर का मॉडल रखा जाएगा। भूमि पूजन से पहले पीएम मोदी एक शिखर और 5 मंडप वाले 3 मंजिला मंदिर के मॉडल को उसी दिन राम जन्मभूमि परिसर में देखेंगे और उसी वक्त ये मॉडल आम लोगों के लिए रखा जाएगा। इस मंदिर के कुल 17 हिस्से होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को मंदिर के भूमि पूजन के बाद करीब 500 करोड़ की सौगात अयोध्या को देंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान कई धर्म स्थलों की मिट्टी और पवित्र जल का इस्तेमाल किया जाएगा। भगवान बद्री विशाल के विराट सिंह द्वार से माटी और नारायण पर्वत की तलहटी से अलकनंदा का जल भेजा जाएगा। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर ब्रह्म कुंड में संतों ने गंगा जल और मिट्टी की पूजा की, इस पवित्र जल और मिट्टी को भी भूमि पूजन के लिए अयोध्या भेजा जाएगा। 5 अगस्त को अयोध्या की भव्यता दुनिया देखेगी, सभी को इस पल का बेसब्री से इंतजार है। कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कल एक बहुत बड़ा दिन है। जी हां, दुनिया के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक लड़ाकू विमानों में शामिल रफेल, उसका पहला बेड़ा जो है, यानी कि 5 रफेल विमान कल पहुंच रहे हैं अंबाला एयरबेस। अपने आप में बहुत बड़ी खबर और भारत को और मजबूती प्रदान करने वाला। वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया कल खुद अंबाला एयरबेस पर मौजूद यहां रहेंगे। वायुसेना प्रमुख रफेल विमान का स्वागत करेंगे, साथ ही पायलट से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि फ्रांस से 5 रफेल लड़ाकू विमान यहां आ रहे हैं, ये पहली खेप है। ये विमान फिलहाल यूएई एयरबेस पर मौजूद है। और देखिए, फ्रांस के साथ ये 36 विमानों की भारत की डील हुई है। कल 5 विमान भारत पहुंच जाएंगे फाइटर जेट्स। हालांकि इन लड़ाकू विमानों से बड़ा संदेश दुश्मन के लिए है, और गौर से देखनी होगी यह खबर चीन और पाकिस्तान। आ रहा है दुश्मनों का कार, मचा देगा दुश्मन के खेमे में खलबली, मिटा देगा दुश्मनों का नामो निशान। यह दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान, नाम है राफेल। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद फिलहाल राफेल का जत्था यूएई के अल दफरा एयरपोर्ट पर है, जहां पायलटों को आराम करने के लिए लैंडिंग की गई। लेकिन इसका इंतजार देश में बेसब्री से है, इसके लिए अंबाला एयरबेस को तैयार कर लिया गया है। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो सख्त कार्रवाई होगी। बहुत गौरव की बात है कि राफेल का पहला बैच अंबाला छावनी एयरबेस पर आ रहा है। सारा नगर पल के बिछाकर राफेल का स्वागत करने के लिए राफेल कल सुबह यूएई के अल्दफरा एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा और चंद घंटे में अंबाला पहुंच जाएगा। ये 5 राफेल विमान कुल 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके
कल अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। यही वजह है कि अंबाला एयरबेस को किले में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं। अंबाला एयरफोर्स बेस रफाल का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसके अलावा एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के 3 किलोमीटर एरिया में कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, या यूं कहें कि इस पूरे इलाके को नो ड्रोन फ्लाई जोन और इसके अलावा अति संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। तो श्वेता और मीनाक्षी, राफाल दरअसल कल आ रहा है, पहली खेप कल पहुंच रही, लेकिन सबकी नजर उस लम्हे पर टिकी हुई है जब यहां पर अंबाला में उसकी लैंडिंग होगी। हालांकि दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन उसे भी ये मालूम है कि राफाल आने के बाद भारतीय वायुसेना कितनी सशक्त हो जाएगी। पड़ोसी पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, लेकिन अब उसे सावधान हो जाना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा। आतंकी वारदात से दहलाने का प्लान। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के खतरनाक मंसूबे। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के एक साल होने वाले हैं। 5 अगस्त को ही पिछले साल 370 का नामोनिशान मिटा दिया गया था, लेकिन इसी एक साल पूरे होने से पहले पाकिस्तान और आतंकियों की जहरीली जोड़ी ने धमाके का प्लान बनाया है। दहशत फैलाने की प्लानिंग है। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ नई नई साजिश रचने में जुटा हुआ है। आज तक को खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर से सैटेलाइट फोन के जरिए आतंकवादियों को निर्देश दे रहा है। इसके लिए उसने पीओके में 10 लोकेशन चिन्हित की हैं, जिसके जरिए वो कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है और आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ करने और तबाही मचाने के निर्देश दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के इंटरसेप्ट में खुलासा हुआ है कि आतंकी घुसपैठ के लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।